हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आप लोगों को प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए अर्धायु काल का गणितीय व्यंजक हमने आपको बता दिया था। जो गणितीय व्यंजक था वो हमारे पास आया था k बराबर 0.6931 अपान टी हाफ। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के मुख्य लक्षण क्या है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण। ठीक है, प्रमुख लक्षण की बात करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण क्या हो जाएंगे। जैसे अगर पहले लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। समीकरण है हमारे पास 2.303 अपान टी। तो समीकरण है हमारे पास के बराबर 2.303 अपान टी इंटू लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, या हम इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं टी बराबर 2.303 अपान के इंटू लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी वो निम्न समीकरण का पालन करेगी। समीकरण है हमारे पास के बराबर 2.303 अपान टी इंटू लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, या हम इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं टी बराबर 2.303 अपान के इंटू लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा पहला लक्षण हो गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। समीकरण आपके सामने है के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की कि दूसरा लक्षण क्या है। दूसरे लक्षण में हम कह सकते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए जो वेग स्थिरांक है के का मात्रक प्रति सेकेंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा हो सकता है। यानी कि आप देखेंगे कि मात्रक कैसे आएगा निकलकर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपने इसी प्रकार से थी, वेग समीकरण आया था डीएक्स अपॉन डीटी बराबर के अभिकारक ए की सांद्रता। जो एक्स है या डीएक्स है ये भी हमारे पास सांद्रता है, यहाँ पर अभिकारक ए की सांद्रता हो गई है। तो अगर सांद्रता की बात करते हैं तो सांद्रता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर अपान, समय की बात कर लो समय का मात्रक सेकेंड बराबर के का मात्रक हमें ज्ञात ही करना है इनटू अभिकारक ए की सांद्रता है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर से आप मोल प्रति लीटर काट देंगे, बचा क्या है के बराबर 1 अपान सेकेंड। इसे ऊपर भेज सकते हैं तब हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या हम इसे लिख सकते हैं प्रति सेकेंड। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक होता है के का जो मात्रक होता है वो आएगा आपका सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड। ये हमारा दूसरा लक्षण हो गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड होता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है कि तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो सदैव पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद में चौथे लक्षण की बात करते हैं नंबर 4। तो जो चौथा लक्षण है वो क्या हो जाएगा
चौथे लक्षण में अर्धायु काल से चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का गणितीय व्यंजक ज्ञात किया था 0.6931 अपान टी हाफ, या हम इसे लिख सकते हैं टी हाफ बराबर 0.6931 अपान के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल का गणितीय व्यंजक आया था वहां पर जो अर्धायु काल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती था। शून्य कोट की अभिक्रिया में आपने इस प्रकार से आया होगा लास्ट में टी हाफ समानुपाती ए। तो शून्य कोट की अभिक्रिया में जो अर्धायु काल होता है वो तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब बात करते हैं कि पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास कि यदि हम प्रथम कोट की अभिक्रिया में लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स, लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स और समय 1/t के मध्य में ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है इस प्रकार से, और इस रेखा की जो ढाल प्रवणता होगी वो आपकी हो जाएगी ढाल बराबर माइनस के अपान 2.303। ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया है, ठीक है। यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स और समय 1/t के मध्य में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी जो जिसका जो ढाल होता है वो होता है माइनस का के अपान 2.303। तो इस प्रकार से प्रथम कोट की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षणों में हमने आपको पांच लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण हमने आपको बताया है कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है वो निम्न समीकरण का पालन करती है। समीकरण है आपके पास k बराबर 2.303 अपान टी इंटू लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, या हम इसे दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं टी बराबर 2.303 अपान के इंटू लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ये हमारा पहला लक्षण हो गया है। दूसरे लक्षण में हमने प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक की बात की थी। हमने यहाँ पर आपको ज्ञात करके दिखाया है कि के का मात्रक कैसे आएगा। हमने प्रथम कोट की अभिक्रिया का एक व्यंजक लिखा हुआ है, यानी कि दर व्यंजक इसका लिखा है dx अपान dt बराबर के अभिकारक ए की सांद्रता। जो dx है वो भी हमारे पास सांद्रता होती है, इसका भी मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर अपान dt समय है, समय का मात्रक आपका सेकेंड हो गया, इंटू के का मात्रक ज्ञात करना है, इंटू ये भी यहाँ पर अभिकारक ए की सांद्रता हो गई है मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर को काट दिया है, बचा है हमारे पास k का मात्रक 1/सेकेंड, जिसे हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड, ठीक है। तीसरा जो लक्षण है वो हमने आपको बताया था तीसरे लक्षण में कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है वो सदैव पूर्ण होती है। ये आपका तीसरा लक्षण हो जाएगा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। चौथे लक्षण में हमने आपको बताया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि स्मॉल ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आपने जब इसका यहाँ पर व्यंजक ज्ञात किया था तब हमने वहां पर भी आपको यही पॉइंट दिया था कि इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यही हमारा एक लक्षण हो गया है। लास्ट क्या है, लास्ट में हमने आपको बताया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स तथा समय टी के मध्य में अगर हम ग्राफ खींचेंगे
तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिसका ढाल हो जाएगा ढाल बराबर माइनस के अपान 2.303। ये पांच लक्षण हो गए हमारे पास। अब आगे देखते हैं कि नया टॉपिक क्या है। तो नया टॉपिक है हमारे पास प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, कोटि यानी कि अभिक्रिया की कोट की हमने आपको चार प्रकार बताए थे, ये हमारे पास तीसरा प्रकार है द्वितीय कोट की अभिक्रिया। आपके सिलेबस में द्वितीय कोट की अभिक्रिया का जो वेग का समाकलित समीकरण है वो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको द्वितीय कोट की अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है और इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं दो चार, ठीक है। तो बात करते हैं कि द्वितीय कोट की अभिक्रिया क्या हो जाएगी। हमने आपको प्रथम कोट या शून्य कोट की अभिक्रिया में आपको बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे बोला था प्रथम कोट की अभिक्रिया, और जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती था उसे हमने कहा था शून्य कोट की अभिक्रिया। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती हो, द्वितीय घात के समानुपाती हो उसे हम कहते हैं द्वितीय कोट की अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सामान्य रिएक्शन इस प्रकार है ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीन्स पता है सभी को उत्पाद। ये दोनों हमारे पास अभिकारक हो गए हैं। अब इसके लिए हम यहां पर वेग नियम लगा रहे हैं, वेग नियम सभी को पता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभिक्रिया का वेग है हमारे पास dx अपान dt समानुपाती अभिकारक A की सांद्रता इंटू अभिकारक B की सांद्रता, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटा दो तो dx अपान dt बराबर K अभिकारक A की सांद्रता इंटू अभिकारक B की सांद्रता। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ये द्वितीय कोट की हो गई है। क्यों हो गई है? यहाँ पर देखो अभिक्रिया की कोट की हमने आपको डेफिनेशन दी थी कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ये आपका अभिक्रिया का वेग समीकरण हो गया, अभिकारकों की सांद्रता के पदों में ये अभिकारक हो गए A और B, इनको हमने सांद्रता के पदों में व्यक्त किया है और इन पर जो घाते हैं, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर घात है कितनी दिख नहीं रही है, लेकिन जब घात दिखती नहीं है तब होती है एक, यहाँ पर भी घात क्या हो जाएगी एक। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त घातों का योग, अब यहाँ पर घातों का जो योग होगा वही हमारी हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि बराबर 1+1=2। सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की द्वितीय घात के समानुपाती है। तो द्वितीय कोट की जो अभिक्रिया है उसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है। हमने मान लिया है कि हमारे पास कोई एक सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। हम अभिक्रिया के वेग नियम से चले हैं, अभिक्रिया का वेग नियम हमें पता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो dx अपान dt समानुपाती अभिकारक A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाया कॉन्स्टेंट आ गया हमारे पास K, और फिर अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने जाएंगे तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ से अभिक्रिया की कोटि आपके पास आ गई है 2। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल है हमारे पास CH3COH यानी कि HT कम्ल
प्लस NaOH इक्वल टू, अब हमने अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराई है तो क्या बनेगा, लवण यानी कि सोडियम एसीटेट, और साथ में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल हो गया है। अगर हम इसकी अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने जाएंगे तो हम लिखेंगे प्रयोगों द्वारा, क्योंकि अभिक्रिया की कोट हम प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात करते हैं। प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि dx अपान dt समानुपाती दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, तो एसिटिक अम्ल की सांद्रता हो गई यहाँ पर इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो घातों का योग होना है, घातें हमें दिख नहीं रही हैं तो यानी कि एक एक हो गई, तो अभिक्रिया की कोट क्या आ जाएगी, अभिक्रिया की कोट बराबर 1+1=2, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।